नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से बड़ा ही आसान और झटपट बनने वाला स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये जो नेटिंग डिज़ाइन है, ये मैं दो रंग से बनाऊंगी और ये चार के मल्टीपल के हिसाब से हमने फंदे डालने हैं और दो फंदे हमें एक्स्ट्रा एजिंग के लिए डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने सैम्पल के तौर पर 14 फंदे ले लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी का मनपसंद जो भी बॉर्डर बनाना चाहते हैं, पहले नीचे बनाइए और उसके बाद चार के मल्टीपल के हिसाब से फंदों को डिवाइड करके दो एक्स्ट्रा फंदे लेके आप अपने प्रोजेक्ट में स्टार्ट करें डालना। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो पैटर्न है ये हमारा राइट साइड से शुरू होगा और यहाँ पर मैंने तीन बार पैटर्न को रिपीट करना है। तो मैंने 12 फंदे लिए हैं चार के हिसाब से और दो एक्स्ट्रा ले लिए हैं। राइट साइड से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा, तो मैंने सैंपल के तौर पे यहाँ पे चार सिलाई हैं, यहाँ पे बॉर्डर के जैसे सीधी सीधी बना ली हैं। तो उसके बाद हम इसको राइट साइड से फर्स्ट रो को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो से हम क्या करेंगे, दूसरे रंग को लगाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये दो रंग से बनेगा। एजिंग का पहला फंदा हम बना लेंगे। देखिए, ये चार चार के साथ से डिज़ाइन जो है जो बनेगा। तो पहला फंदा हमने सीधा बुनना है, दूसरा फंदा भी हमने सीधा बुनना है, तीसरे फंदे को भी सीधा बुनेंगे, पर हम इसको दो बार लपेट के धागे को इस तरह से देखें, एक बार और दो बार लपेट के इस तरह से इसको तीसरे फंदे को बनाएंगे। फिर अगला जो चौथा फंदा होगा उसको हमने स्लिप करना है। ये हमारे चार फंदे कंप्लीट हो गए। इसी तरह से अगले चार फंदे हम बनाएंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, तीसरा फंदा भी सीधा ही बुनेंगे पर उसका जो धागा है डबल रैप करेंगे और उसके अगला जो चौथा फंदा है वो हम स्लिप करेंगे, बिना बुने उतार लेंगे। इस तरह से करते हुए हमने चार चार फंदों का डिज़ाइन जो बनाते हुए पैटर्न के फर्स्ट रो को कम्प्लीट करना है। लास्ट का एजिंग का फंदा हमने इस तरह से सीधा बुन लिया। देखिए, रॉन्ग साइड आ गई हमारी सेकंड रो। एजिंग का फंदा हमने बुन लिया, आप चाहें तो बिना बुने भी उतार सकते हैं। जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको वैसे ही स्लिप कर लेंगे, बिना बुने उतारेंगे। अगला फंदा हमारा रैप किया हुआ था डबल यान से, तो हम उसको खोलेंगे और तीनों फंदों को इकट्ठा एक सिलाई पे इस तरह से लेके उल्टा बनाना है। एक फंदा यूं करके फिर धागे को हम लपेटेंगे, इससे हमारा ये दूसरा फंदा काउंट होगा और फिर से तीनों फंदों में से एक और फंदा हमने उल्टा निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने तीन फंदों के इकट्ठे करके उनको वहाँ से हमने फिर से तीन फंदे बना लिए। फिर हमने देखें, बिना बुने हुए फंदे को स्लिप कर लिया, अगला फंदे को हमने खोला और तीन फंदे इकट्ठे लेके उनके हमने यूं करके तीन बार इस तरह से तीन फंदे निकाल लिए, यूं करके तीन के तीन कर लेने हैं। अगला फंदा फिर से हमने इसी तरह से बिना बुने उतार लेना है और इसको खोल के इसके तीन के फिर से हमने इकट्ठे तीन फंदे बना लेने हैं। इसी तरह से हमने इस पैटर्न की सेकेंड रो को कम्प्लीट कर लेना है। अब हमारी थर्ड रो आ गई राइट साइड। इसी रो में हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं, पर यहाँ पे हमने धागे को चेंज कर लेना है। जो हमने बेस कलर लिया है उससे हमने इसको सारे फंदे सीधे बनाते जाना है और थर्ड रो को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। जो फंदा हमने स्लिप किया था दो सिलाइयों में, इस रो में इस सिलाई में इसको हम बुन लेंगे। Thank you.
पैटर्न की फोर्थ रो आ गई रॉन्ग साइड, यहाँ पे हमने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करने। अब हमने फर्स्ट रो से फोर्थ रो तक हमने फिर से रिपीट करना है, तो यही हमारा पैटर्न बनता जाएगा। पर यहाँ पे हमने इस डिज़ाइन को शिफ्ट करना है। साथ में देखें, जो हमने स्लिप किया था फंदा ये वाला, उन तीन फंदों को हम लेंगे और इसके आगे और पीछे एक एक फंदा हम स्लिपर वाला रखेंगे जो बिना बुने हमने उतारा था। तो एक बार शिफ्ट करके दिखाती हूँ किस तरह से पैटर्न को शिफ्ट करेंगे। दो फंदे सीधे बुन लिए, अगला फंदा हमने बिना बुने उतारा। अब ये जो तीन फंदे हैं यहाँ पे हमारा डिज़ाइन बनेगा, तो इन तीन फंदों को दो को सीधा बुनेंगे और अगला जो तीसरा फंदा है उसको डबल दो बार धागे वैसे लपेट के उतारेंगे, अगला फिर स्लिप करेंगे और इस तरह से हम पूरी से सिलाई को बनाएंगे। रॉन्ग साइड से वैसे ही बनेगा जैसे रो टू बनाई थी हमने। तीन फंदों को इकट्ठा करके उसका तीन फंदे बनाएंगे, जो स्लिप फंदा था उसको वैसे ही उतार लेंगे बिना बुने हुए। तो इस तरह से हमने ये रो को कंप्लीट करना है। हमने बेसिकली जो रो वन से फोर तक है वही रिपीट करते हुए जाना है अपने प्रोजेक्ट में। सिर्फ हमने डिज़ाइन को शिफ्ट करने के लिए इस तरह से हमने उसको किया, जो हमने स्लिप फंदा किया था उसको हमने तीन फंदों में ले लेना है, तो हमारा ये जो डिज़ाइन है वो शिफ्ट होता जाएगा। अब डिज़ाइन के दो लाइन जो रो हैं वो बन गई हैं, दो ही रो में बन जाएगा। तीसरी में हमने कलर चेंज कर लेना है, सारे फंदे सीधे बुनने हैं और रॉन्ग साइड से हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। मैं अभी आपको ये बना के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसकी लुक आई। अभी हमने दो बार ही इस पैटर्न को रिपीट किया है, तो इस तरह से ये जैसे हमारे लोटस के फूल होते हैं, कमल के फूल, वैसे बिल्कुल इसकी लुक आई है। और हमारा डिज़ाइन देखें, दो के बीच में आ गया और फिर अगले दो के बीच में आ गया, तो हमारा ये पैटर्न जो है वो शिफ्ट भी हो गया और हमारी पैटर्न की लुक भी चेंज हो गई। ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। आप इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिए, बेबी फ्रॉक्स बनाइए चाहे बेबी स्वेटर बनाइए, कैप्स पे भी इसको डाल सकते हैं, स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट्स किसी पे भी इस्तेमाल करिए। दो रंग में बड़ा ही प्यारा बनकर ये आता है। ये देखिए मैंने बड़े इसमें बनाया है, इसमें ज़्यादा फंदे लेके बनाया था, तो ये इस तरह से इसकी लुक आई है। और शिफ्ट करने के बाद देखिए ये किस तरह से बनकर आता है। दो ही इसमें सिलाइयाँ बनाएंगे तो हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा। और देखें
रॉन्ग साइड से इस तरह से दिखता है और राइट साइड से ये ऐसे दिखता है, ये देखें। आप इसकी कैप्स भी बना सकती हैं, सॉक्स भी बना सकती हैं। आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिए और बड़ी आसानी से बन जाता है। कोई भी दो रंग लीजिए अपनी मर्ज़ी के और इसको बनाइए, जैकेट्स भी बनाइए इसके, कार्डिगन भी इसे आप बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अपने सब फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा। चलिए फिर बनाइए और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।